तो गाइस लोग कहते हैं कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना, उसके माँ बाप भी नहीं थे हॉस्पिटल में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, और आज जिस बंदे को हम रोस्ट करने वाले हैं वो है आप सबका फेवरेट समय रैना। भाई समय रैना देखो कितने डार्क जोक्स मार लेता है, कुछ भी बोल देता है, तो मैं होप करता हूँ आप उसकी हंसी मजाक को समझते हो, तो हमारे को भी समझना, ठीक है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर फन, तो भाई कोई सीरियस मत लेना, हंसी मजाक कर रहे हैं। और बाकी अब शुरू करते हैं द समय रैना रोस्ट। ये अपनी स्ट्रीम पे ना चेस प्लेयर्स को कॉमेडी कराता है और कॉमेडियंस को है वो चेस खिलाता है। मतलब भाई ये अच्छी स्ट्रैटेजी तो है तेरी खुद को सबसे समझदार दिखाने की। समय रैना का कहना है कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से उसने कुछ भी नहीं सीखा। मतलब भाई कितना झूठ बोलेगा तू, तूने सीखा तो है तन्मय भट्ट को कॉपी करना। और एक फन फैक्ट बता दूं, समय रैना बहुत अच्छा गिटार प्लेयर है। अब मेरे को समझ आया तेरे को ये गंदी आदत कहां से पड़ी हर चीज में उंगली करने की। समय रैना कल को अपने फैंस के लिए गिव अवे भी करेगा ना, तो सोचो वो क्या चीज होगी। समझ गए, सेरेलैक और डायपर्स। समय रैना कैन बी अ प्राउड एम्बेसडर ऑफ मैनी पोको पैंट्स। समय की आवाज सुन के ना ऐसा लगता है कि वो नाक से बात कर रहा है, मतलब ट्रू, क्योंकि उसका मुंह तो हमेशा रफ्तार भाई के गोटों में रहता। अच्छा हुआ कि समय की फैमिली है ना कश्मीर से उस टाइम पे शिफ्ट हो गई, वरना जैसे जोक से अब मार रहा है ना, अगर इस टाइम पे उसको लात मार के कश्मीर से भगाते तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी मेरे को तो पर्सनली। ये जोमेटो के रोस्ट पे ना स्विगी की टी शर्ट पहन के चला गया। अच्छा है इस देश में गालियों वाले जोक समझने वाले बच्चे हैं, वरना समय भाई हर जगह यही टी शर्ट पहन के घूमना पड़ता तुमको। समय सच में एक दिन के लिए ना जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन गया था, बट भाई इतना ज्यादा ठरकी है कि ऑर्डर भी सिर्फ पिज्जा डिलीवरी के लिए ले रहा था। जॉनी सिंस बनना है भाई को। समय चेस में विश्वनाथ आनंद जी को जानता है, म्यूजिक में रफ्तार और कृष्णा भाई को जानता है, एंटरप्रेन्योर में आनंद महिंद्रा जी को जानता है। मतलब समय की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा सिंपल है, सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती कर लो और तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। भाई का पूरा नाम है समय रैना, बट लोग उसको समय रैना से ज्यादा थोड़ी देर चुप रहना यार बोलते हैं। समय रैना इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ नन। समय रैना का एक शो भी आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, और इसमें है ना पूरे इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटलेस लोग आते हैं। नहीं नहीं कंटेस्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की दोस्तों की। समय उन लोगों में से आता है जो हमेशा अपने से कम टैलेंटेड लोगों से दोस्ती करता है, ताकि ग्रुप में सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही रहे। क्या फायदा समय यार इतने अच्छे जोक्स लिखने के लिए, जब व्यूज के लिए तेरे को दीपक कलाल और उर्फी जावेद जैसे लोगों के साथ घूमना पड़ता है। नहीं को इज्जत शर्म बची है, नहीं है सारी बेच खाई, या जब कश्मीर से निकले थे तो वहीं छोड़ी आए। समय को अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और वो ओपनली इसके बारे में बात भी करता है, बट फिर वो मुनावर को अपना दोस्त बना देता है। भाई इसे डेमोक्रेसी नहीं, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। तला अंजुम एक पाकिस्तानी सिंगर है जो कहता है भाई कश्मीर उनका है और पाकिस्तानी मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, बट समय के लिए भाई वो लेजेंड है। नेजी वर्सेस भाई मुझे बड़ा सैड लगा यार नेजी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मतलब तला अंजुम इज अ फकिंग लेजेंड यार, अभी मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट लव्ड मोस्ट रिस्पेक्टेड रैपर। नेजी बेचारा इज गोइंग थ्रू फकिंग शिट ऑलरेडी, यू थिंक। भाई अब बोलना किसमें गट्स नहीं है। समय रैना अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उससे पूछो कि भाई तूने अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा करा क्या है, तो समय का कहना है चेस खेल तो रहा हूं मैं। अगर तुमको समय को अपने पास से भगाना है ना, तो तुमको सिर्फ बोलना है रलीव गलीव या चलीव, वो अपने आप भाग जाएगा। समय का बचपन बहुत ज्यादा डार्क रहा है, उसको बच्चों ने बहुत ज्यादा बुरी करा है। अब समय अपना बदला ले रहा है इंडिया के बच्चों को बिगाड़ कर। समय का मतलब होता है टाइम, और समय का कॉन्टेंट है टाइम पास। इंटरनेट पे फेमस होने से पहले समय जॉब करता था, उस जॉब का नाम था तन्मय भट्ट ब्लो जॉब। कोविड के बाद है ना समय बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्हीं बच्चों के सुपर चैट से उसका घर चला है। समय के करियर से यह सीख मिलती है कि अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो तन्मय भट्ट के बेडरूम में घुटनों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा। समय इतना हिलाता है कि बेचारा पतला हो गया तन्मय भट्ट। समय का बेचारा कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसके मम्मी पापा ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। समय का करियर है ना बिल्कुल उसके चेस की तरह है, एक गलत मूव और पूरा करियर। समय का ना पूरा स्ट्रीमिंग करियर सिर्फ एक बात पे टिका है, कि वो किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपनी स्ट्रीम पे बुला ले और उसको गाली बक के उसको हंसा दे। समय अपनी स्ट्रीम पे मम्मी के सामने गाली नहीं देता, बट मम्मी की गाली जरूर देता है। लोग कहते हैं कि भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता, और ये वाला समय भी नहीं रुकता उन लोगों के लिए जिनके दम पे फेमस हुआ है। समय से मिलने से पहले विदित भाई की रैंकिंग थी सेकंड, और उसके बाद हो गई फिफ्थ। विदित भाई ने समय के साथ चेस खेला, और समय ने विदित भाई के करियर से। समय की स्ट्रीम का नाम होता है 1800 रैंकिंग, बट भाई की रैंकिंग कभी 1800 तो नहीं गई, पर जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से सुपर चैट करा होता ना, उनका अकाउंट बैलेंस जरूर 1800 चला जाता है। समय रैना तन्मय भट्ट से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो कश्मीर में 370 लगने से ज्यादा खुश
377 हटने पे हुआ था. Dude, his stomach is so soft. I'm not even kidding. You need to feel it. It is softer than the cushion. I'm not kidding. Okay, sir. When I do this to a girl. वानी ने ना तब समय का पेट टच करा तो समय को यार बहुत बुरा लगा क्योंकि ये खाली तन में बटका है. गुस्सा, I love you यार गुस्सा. मेरे भाई बता, डिवोर्स के बाद समय के ना काफी सारे जोक्स द गुड रोस्ट शो से म्यूट कर दिए और समय से जब पूछा ये म्यूट क्यों करे तो वो कह रहा था मैं गट्स नहीं है चलाने के. अरे भाई सस्त तो बोल जाकर कम से कम, जोक तो थे ही नहीं उसमें, सारी गालियां थी. चेक आउट अ न्यू शो, सोलो कर लो यार, फॉलो कर लो यार, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स. अब तो डाल भी नहीं पाएगा भाई. समय इतना ठरकी है ना, इतना ठरकी है, तब उर्फी जावेद भी उससे मिलने जाती है तो पूरे कपड़े पहन के जाती है. सर हां जी, एक वो मिलेगा एब्डोमेन गार्ड. हां हां, एक एब्डोमेन गार्ड ये फिटाएगा. शोर हुआ तो कान में लगा के बैठ सकते हैं भाई. तब मैं भाई के लिए गिफ्ट ले रहे हो एंकी पैंकी. अरे यार यहाँ लोगों को लग रहा समय सड़क पे नाच रहा है, बट एक्चुअली में ना समय खाली ब्रांड्स की उंगलियों पे नाचता है. समय ने ना ये बोल रखा है उसे अनजान लड़कियों के साथ सेक्स करना पसंद नहीं है. अरे यहाँ तो सच बोल दे यार कि तुझे लड़कियों के साथ सेक्स करना ही पसंद नहीं है. समय के पेरेंट्स ने ना अपनी लाइफ में जेनोसाइड से बुरा कुछ नहीं देखा, बट फिर ये समय पैदा हो गया. भाई समय की तोंद ना इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि अब नहीं देख पा रहा था वो, इसलिए ना वो पतला हो गया. बट अब फाइनली उसे ये समझ आ गया छोटी है. भाई कभी तुम लोगों ने दो हाथियों को अपनी सूंड से लड़ते देखा है? अरे नहीं यार, उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है. तन्मय और समय को बेडरूम में देख लेना, दो हाथियों को. भाई समय ना अपने पेरेंट्स की फिटनेस से बहुत ध्यान देता है. नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ क्यों ध्यान देता है वो, क्योंकि इसके जोक्स की वजह से ना कभी भी उन्हें भागना पड़ सकता है. और समय को ना अगर मैं सच बताऊँ मेरे पेरेंट्स की चिंता है ही नहीं यार, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स को ना हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करने की आदत है. भाई जब आप लोगों को लूज मोशन होते हैं, मतलब मुझे भी होते हैं, तो हम लोग ना डॉक्टर के पास जाते हैं, पर समय ना स्टेज पे जाता है. एक बार ना समय एक हॉस्पिटल में गया था कैंसर पेशेंट्स के लिए कॉमेडी करने के लिए, एंड उनको ना बहुत अच्छा लगा. भाई नहीं इसके जोक सुन के नहीं, ये सोच के कि अच्छा हम यहाँ से जा ही रहे हैं. भाई अब बात कर लेते हैं महीप सिंह जी की, जो अक्सर सब लोगों को बोलते रहते हैं मम्मी कैसी है. महीप जी ना सबको ये पूछते रहते हैं यार तुम्हारी मम्मी कैसी है. अब मैं महीप जी से एक चीज पूछता हूँ, आपकी बेटी कैसी है? महीप जी के ना फेमस होने के बाद लोगों को एक चीज तो समझ आ गई है भाई, कि सारे बुड्ढों की ना इज्जत करना जरूरी नहीं होता. कुछ लोगों को लगता है जसपाल भाटी और महीप सिंह सेम है. भाई दोनों में ना बहुत डिफरेंस है. जसपाल भाटी पुराने कॉमेडियन है और महीप जी बस पुराने हैं. बट थैंक्स टू महीप जी, उन्होंने ना सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए कि सारे पंजाबी फनी होते हैं. अरे यार वो तो ना अपने महीप जी को पता नहीं था कि स्टेज पर लोगों की मम्मी छेड़ने से करियर बनता है. वो तो फालतू में यार खामा के इतने सालों से सड़क पर लोगों की मम्मी छेड़ रहे थे. महीप सर ना बहुत धीरे धीरे बात करते हैं. अरे नहीं सर हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आपके थोड़े दिन कम बचे हैं. हर चीज की आदत हो जाती है, फिर चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी, सुख देती हो या दुख, हर चीज की आदत हो जाती है. चिंताएं, परेशानियां, कमियां सब आदत में शुमार हो जाती हैं. अपने बीमार पति के बिस्तर के साथ लगे सोफे पर उसे सोने की आदत पड़ गई थी. पति के देहांत के बाद यू नो महीप जी ओशो जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक बार ना ओशो ने महीप जी को बोला था और मम्मी कैसी है. महीप सिंह ना इज एन एग्जांपल कि सन्यास लेने की उम्र में अगर करियर सेट हो जाए तो बुड्ढे पागल ही हो जाते हैं. अरे अंकल यार अब तीरथ जाने की उम्र में अगर आप टांगों पे जाओगे तो यही होगा ना. प्रिटी गुड रोस्ट शो में समय के जोक्स जो सेंसर हुए थे उसमें वो कुशा कपिला के थोड़ी प्राइवेट जगह की बात चल रही थी, बट लोगों को टेंशन तन्मय भट्ट के नीचे की है क्योंकि तू जो घुसा रहता है उसकी गांड में. तो गाइस यहीं पे रोस्ट को खत्म करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. किसी के लिए कोई हेट नहीं था हमारी तरफ से, नहीं भाई बिल्कुल भाईचारा है. समय भाई को भी वीडियो भेजेंगे, भाई हमने रोस्ट निकाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बाकी खूब मौज मस्ती बांधे रखो भाई, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो क्योंकि वहां पे आएगा और भी मस्त मस्त कॉन्टेंट और अपडेट्स. और लास्ट में ये बोलूंगा कि भाई रजत भाई हमारे बिग बॉस में है तो भाई खेच के सपोर्ट रखना है, कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़नी है. तो भाई जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टप टप टाटा बाय बाय.